أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يملك بخطر القائلين ولا يرسي نعما أبلعتم ولا يعدي خطه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعمة موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته وتشرى الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا خلیفہ قالوا تجعل فيها أن يرسل فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صلوات اس سے بلند صلوات سورہ وبا کے بقرہ کی آیہ کریمہ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں رشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اے میرے حبیب جب تمہارے رب نے کہا اللہ اپنے نبی کو ایک واقعہ یاد دلا رہا ہے واقعہ بھی ایسا ہے جو نبی مکرم کی بعثت سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے یاد تو ویسے اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ حاضر ہو یہ جو مسلمان اور ہرتا شیعوں کے درمیان بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب کوئی کہتا ہے کہ نبی مکرم اس وقت بھی تھے جب آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی کہتا ہے کہ سرکار کی تو سن یکم عام الفیل میں جس سال میں ہاتھیوں کا لشکر مکے کو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکے پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اصحاب فیل ابرہا کا لشکر تو نبی کی تو ولادت اس وقت ہوئی تھی آپ تو جلدی میں تو نہیں کہہ گئے یہ بات کہ حضرت نبی مکرم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی تو یہ کچھ ہمارے درمیان بھی بات ہوگا تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ مسئلہ یہ الجھن اس وقت تک حل نہیں ہوگی جب تک میں اپنے آپ کو یہ بات نہیں سمجھاؤں گا کہ ان ہستیوں کی حقیقت اور ہے ان کا ضرور اور ان کے دو جنبے ہیں ان ہستیوں کے دو جنبے دو پہلو ہیں دو زاویہ نگاہ ہیں ان کی حقیقت اور ہے اور ان کا ظہور اور ہے جو جنبہ ان کا دو جنبوں میں ایک جنبہ ان کا نوری جنبہ ہے اور ایک بشری جنبہ ہے تو نوری جنبہ جب ان کا غور کریں گے تو پھر بہت سارے جب تک یہ تصور نہیں ہوگا بہت ساری الجھنیں دور نہیں ہوگی مثلا بشری تقاضے کچھ اور ہیں اور نوری تقاضے کچھ اور ہیں
नूरी तकाजों के मुताबिक ये मसलन गहवारे में बात करेंगे, मसलन माँ के शिकम में बात करेंगे, मसलन दुनिया में आने से पहले कुरान पढ़कर आएंगे। अभी दुनिया में आए नहीं होंगे कि ये फकीह होंगे। मसलन अब ये नूरी पहलू है इनका, वो समझने के लिए हमें अपना एक अकीदा, हम बशरे महज हैं, हम बशरे महज हैं, ये महज बशर नहीं है, हम महज बशर हैं, ये महज बशर नहीं है। इनके यहां दो पहलू हैं, एक नूर और एक बशरियत, और बशरियत में भी इनके नूरानियत गालिब है, यानी जो इनका बदन मुबारक है ना वो भी आम बशरों की तरह नहीं है। इनके बशर बुश बुशर के अंदर, बुश कहते हैं खाल को, जाहिरी होलिये को, जाहिरी चीज को, ये सारे एक एतबार से बुशर रखने वाले लोग हैं, खाल रखने वाले हैं, गोश्त रखने वाले लोग हैं, ठीक है। ये जो जाहिरी तौर पे बुशर है, ये जो खाल है, ये जो चमड़ा है, ये जो बदन है, ये जो दो आंखें हैं, माथा है, पेशानी है, मिसाल के तौर पर फमे हैं, पलके हैं, ये होंठ है, ये नाक है, ये जाहिरी तौर पे भी इनका हमारी तरह नहीं है, हमारा इनकी तरह नहीं है, यानी इनकी बशरियत में भी नूरानियत गालिब है। मिसाल दूं, मसलन इनके साया नहीं है, जब ये चलते हैं ना तो इनका साया नहीं पड़ता, जब इनका साया नहीं, बशर का तो साया पड़ेगा, मेरा और आपका तो साया पड़ रहा है, अभी मैं हाथ उठा रहा हूँ साया पड़ रहा है, आपका साया मुझे नजर आ रहा है, तो जहां नूर गालिब हो जाता है तो जिस तरफ से गालिब होता है उस तरफ नूर होता है, जिस तरफ नूर था दूसरी तरफ उसके बरक जगह पर उसका साया पड़ता है, और नूर पड़ रहा है मगर क्योंकि ये बशर है, बशरे महज है, इसलिए नूर आने के बावजूद भी इससे जो सादिर हो रहा है वो अंधेरा हो रहा है, यानी इससे अंधेरा सादिर हो रहा है, लेकिन जो नूर महज होगा ना उससे अंधेरा सादिर ही नहीं होगा, जब अंधेरा सादिर नहीं होगा तो उनके यहाँ साया नहीं है। बस हमारे यहाँ कट लग जाए तो खून निकलता है, ये अगर इमाम हुसैन के मुंह में अंगूठा दे दे तो दूध निकलता है। चल बात पढ़ने जरा मोहम्मद, इस पे कभी तफसील से बात करूंगा मैं, जो अभी सोचे हुए हूँ बात इसी पर रहूं तो बेहतर है, ये इस मौजू पर कि हमारी 85 उलझनें दूर हो जाएंगी अगर हम ये बात, बहुत सारे सवाल आते, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है, ये क्या बात कर दी, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा, ये हलक से जो बातें नहीं उतरती वो इसलिए नहीं उतरती कि हम उन्हें अपने साथ मुकायसा करते हैं, जब हम उन्हें अपने साथ मुकायसा करेंगे तो हमारे हलक से बातें नहीं उतरेंगी, लेकिन जब हमें ये पता होगा कि नहीं इनका नूरी पहलू गालिब है और बशरी पहलू हमारे तकाजे के मुताबिक, हमारी जरूरत के मुताबिक इन्हें बशर के पैकर में अल्लाह ने ढाला है, फिर भी इनका बदन नूर से गालिब है, यानी नूर गालिब है इनके बदन के ऊपर, इनके बदन पे नूर गालिब है। मिसाल दे दूं एक और, जी जी, अगर इन्हें जहर ना दिया गया होता, अगर इन्हें तलवार ना मारी गई होती तो इनको मौत नहीं आनी थी, इन्हें अजल आनी थी। मौत और अजल में फर्क है, तवज्जो चाहूंगा, जिसे अगर जिस मौत को अजल गैर हतमी भी कहते हैं, और अजल वो है कि जो जब अल्लाह तय करेगा, जब अल्लाह चाहेगा तो इन्हें बुलाएगा। इनके इनके बदन को अगर तलवार से या जहर से न मारा गया होता तो ऐसे लोग अजल के जरिए से बुलाए जाते हैं, मौत के जरिए से नहीं बुलाए जाते। लिहाजा चार मिसालें मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह ने इंसानों में से उठा लिया तो हजारों साल से अब भी जिंदा है, हजरत इदरीस, हजरत इलियास, हजरत ईसा, हजरत खैदर, ये चार चार नबी आज तक इसलिए जिंदा हैं कि इन्हें उन लोगों में से उठा लिया जो जहर देने वाले होते हैं, जो कत्ल करने वाले होते हैं। लिहाजा ये नूरी पहलू इनका इनके बदन पर भी माले है। ये एक बहस किसी और मौके के लिए, मुझे इजाजत है, लेकिन यहीं से रब्त दे देता हूं।
अल्लाह ने हजरत आदम की खिलकत के मौके पर फरमाया, ऐ मेरे हबीब याद करो, वह इतकाला रब को कहा, जब तुम्हारे रब ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं, यानी कोई खबर नहीं दे रहा, अल्लाह अल्लाह इंशा कर रहा है। इंशा और खबर में फर्क है जी, ये खबर नहीं दे रहा अल्लाह कि मैं बनाने वाला हूँ, कल बनाऊंगा, आज से मैं बता रहा हूँ कल ये काम होगा, ये वाला लहजा नहीं है। हमारे पास जबान हमारी कमजोर है ना, यानी हमारी जबान इतनी वसी है ही नहीं कि बिल्कुल, हम तो तर्जुमानी करते हैं, तर्जुमा भी नहीं कर पाते, तर्जुमानी और है तर्जुमा और है। हम मामूलन जो हदीसों का और आयतों का तर्जुमा कर रहे होते हैं वो तर्जुमा भी नहीं होता, तर्जुमानी होता है। हमारे अल्फाज, हमारे हमारी जबान में अल्फाज इतने मजबूत नहीं है, तो अब इसका तर्जुमा कैसे करूंगा। इन्नी जाइलुन, जाइल इस्मफाइल है, ये जमाने से इस्मफाइल जमाने से मुताल्लिक ही नहीं होता, इस्मफाइल तो तीनों जमानों पर गालिब होता है, कातिल जी, जारिब, जाहिब, इस्मफाइल है ना, इस्मफाइल तीनों जमानों पर, माजी, हाल, मुस्तकबिल है मौलाना, लिहाजा ये इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा है, ये नहीं कि मैं आइंदा कल बना रहा हूं, मेरा काम ही बनाना है, मेरा जो काम बनाना था अब मैं जमीन पर बना रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये कोई कल काम होगा, मेरा काम था उसका इजहार मैं अब कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है अल्लाह, जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जमीन पर खलीफा बना रहा हूं। कालू तो कब, किससे कहा था रब ने, तुम्हारे रब ने, लिल मलाइका, फरिश्तों से कहा था, फरिश्तों से अल्लाह ने कहा था, तो फिर अल्लाह ही खुद बता रहा है कि फिर फरिश्तों ने जवाब दिया, कालू अत्ता चलो फीहा मैं युफ्सिद फीहा, उन्होंने कहा तू उसे बना रहा है जो जमीन पर फसाद फैलाएगा जी, अत्ता चलो फीहा मैं युफ्सिद फीहा, जो जमीन पर फसाद फैलाएगा, वह यस्फिकु दिमा, और फिर सबके दिमाग करेगा, खून बहाएगा, याद रहे कि खून बाद में बहता है, फसाद पहले होता है, थोड़ी गर्दन हिला देना बात जा रही होता जी, ये जो खून रेजी है ना ये फसाद का नतीजा है, पहले फसाद, कुरान की जबान में जो हिफाजती इदारों के लोग बैठे हैं मैं उनको मुखातिब करके कह रहा हूं कि अगर आपको माहौल से बदअमनी को खत्म करना है तो कातिलों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालने का फायदा नहीं होगा, फासिदों को, मुफसिदों को, फसादियों को, सलावत पढ़ने जरा बहुत मजबूत है, फसादी अगर कंट्रोल में आ जाए, फसादियों को अगर काबू में ले लिया जाए तो कातिल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, कातिल तो फसाद की बुनियाद पर है ना, फसादियों की बुनियाद पर कातिल, वैसे ही कातिल किराए के कातिल जिन्हें पता ही नहीं कि मार किसको रहे, उन्हें सिर्फ पता इतना है कि पैसा मिलेगा, उन्हें पता है कि बस हमारे मौलवी साहब ने कहा है, हमारे मुफ्ती साहब ने कहा है, हमारे फला रहनुमा ने कहा है, हमारे फला सरदार ने कहा, सारा गुस्सा मुफ्तियों पर ही नहीं होना चाहिए ना, हमारे हमारे फला सरदार ने कहा है, हमारे फला वडेरे ने कहा है, हमारे फला चौधरी ने कहा है, तो असल तो उसे पकड़ना चाहिए जिसने कहा है, और फिर क्या होता है वो जाके मार के आ जाता है, उसे बाद में खबर होती है जब उसे पकड़ लिया जाता है कि किसको मारा है। तो ये किराए के कातिलों का जो जो मिजाज है ना ये बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना है, बद्र में भी एक किराए का कातिल लाए थे, जंग बद्र में भी एक किराए का कातिल लाए थे जिसका नाम नौफल लिखा है, और जब नौफल को लेकर आए ना तो सरकार को मालूम हुआ कि नौफल को लेकर आए ये पैसे की ऑफर करके, उसको इतने मिलेंगे चलो मारने चलते हैं, वो भी आ गया, उसे भी पैसा चाहिए था, वो जब वहां पहुंचा सरकार को मालूम हुआ ये नौफल को लेकर आए तो हजरत ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, अल्लाहुम्मा इग्फिनी नौफला, या अल्लाह मेरी उम्मत को नौफल से बचा, सरकार ने ये दुआ की, जंग और जिहाद शुरू हुआ, और जब जिहाद बढ़ने लगा और जंग खमसान की पड़ने लगी तो नबी ने एक टीले पे खड़े होकर जो जंग का मुनाजरा कर रहे थे, जब जंग का मंजर देख रहे थे, हजरत देख रहे थे कि कैसे जंग हो रही है, जिहाद हो रहा है, तो मौला अली ने जरूर से देखा कि हजरत किसी को ढूंढ रहे हैं, जैसे वॉर से वहां देख रहे हो, जैसे वॉर से वहां देख रहे हो, तो मौला ने दूर से आवाज देकर कहा या रसूल अल्लाह किसी की तलाश है,
तो नबी ने फरमाया मन ले इल्मिन बे नौफला, कोई जानता है नौफल कहाँ है? तो मौला अली ने आवाज देकर कहा या रसूलल्लाह मैंने उसी वक्त मार दिया। सलावत पढ़ रहे मोहम्मद فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اسے بنا رہا ہے کہ جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، فساد پھیلانے والا بھی انسان خون بہانے والا بھی انسان، انسان ایک جیسا نظر آتا ہے مگر ایک جیسا ہے نہیں، ایک کا کام کچھ اور ہے دوسرے کا کام کچھ اور ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ فساد نہیں پھیلائے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ خون نہیں بہائے گا، اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے یہ کہہ کر گویا انہیں اس وقت خاموش کر دیا۔ میرا دل احساس کہتا ہے کہ جب جب اس انسان نے فساد پھیلایا ہوگا، جب جب اس انسان نے خون بہایا ہوگا، تو فرشتوں نے اپنی فائل میں ایک اور کاغذ بڑھایا ہوگا، یا اللہ ہم نہیں کہتے تھے، پھر خبر آئی پھر یا اللہ ہم نہیں کہتے تھے، اور اللہ کا جواب وہی چلا آ رہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر ایک ایسا مرحلہ آیا جب ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا، تب فرشتوں نے کہا آؤ اپنے مقدمے کا جواب دینے جاؤ، میں نے یہ ساری کائنات ان لوگوں کے لیے نہیں بنائی تھی، ان دو بھائیوں کے لیے بنائی۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل، جب مولا علی سرکار دو جہاں کی بستر پہ سوئے تب اللہ نے فرشتوں میں جبریل اور میکائیل جو دونوں سردار فرشتے، انہیں اللہ نے بلا کر کہا میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے، انی اخیتکما، میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے، تم میں سے کون ہے جو یفدی علی الاخرى، جو ایک دوسرے پر قربان ہو جائے، کون ہے جو دوسرے پہ قربان ہو جائے؟ تو فاختار کل منهما الحیات، تو حدیث کہتی ہے دونوں نے کہا ہم تو زندہ رہنا چاہتے ہیں، حتیٰ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں نے کہا ہم تو زندہ رہنا چاہتے ہیں، جب انہوں نے کہا ہم دونوں زندہ رہنا چاہتے ہیں تب اللہ نے کہا اب ذرا زمین میں دیکھو، میں نے دو بھائی اور بھی بنائے تھے، میں نے محمد کو علی کا بھائی اور علی کو محمد کا بھائی بنایا تھا۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل، اب یہ جس بھائی نے دوسرے بھائی پہ جان کو قربان کیا، اس بھائی نے سودا اللہ سے کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، سورہ مبارک بقرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے۔ کیا لہجہ ہے پروردگار عالم، لوگوں میں سے کچھ ہیں، اچھا کچھ ہی ہوتے ہیں بھائی، ہاں یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ سبھیوں میں، لاکھوں میں چند ہوتے ہیں، کروڑوں میں چند ہوتے ہیں، یہ چند کی وجہ سے ہی تو کروڑوں کھا رہے ہیں، ساری کائنات کھا رہی ہے چودہ کے زمرے میں۔ سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، یہ ذہن میں رہے، کچھ ہی ہوتے ہیں، کچھ ہی ہوتے ہیں۔ حیدرآباد میں کتنے لاکھوں لوگ رہتے ہیں، مجلسوں میں کتنے آتے ہیں؟ ممکن ہے کوئی کہے مولانا آپ کی مجلسوں میں یا بڑے جو کچھ شہرت کی بات ہے، ورنہ تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، مجھے مجلس بھی نہیں پڑھ رہا تھی، اس اقرار کے ساتھ بول رہا ہوں کہ بھئی یہاں تھوڑا بہت آپ کے ہاں امام بارگاہ بھر جاتے ہیں، مگر میرے ہاں بھی اگر امام بارگاہ میرے آپ کا احسان آپ سننے آ جاتے ہیں تو بھی کیا بتائیے، حیدرآباد کتنی فیصد آتے ہیں لوگ؟ میں کہتا ہوں حیدرآباد کے مومنین کی تعداد میں 1% لوگ مجلس میں آتے ہیں جب یہ امام بارگاہ فل بن جائے، تو مجھے بتائیے پورے حیدرآباد والوں کی عزت ہے نا 1%، یہ 1% پورے حیدرآباد والوں کی عزت بڑھا رہے ہوتے ہیں۔
तो कुछ होते हैं जो अपना किरदार अदा करते हैं, उन कुछ की वजह से तो कायनात चल रही है। ये कोई अगर ये कह दे साहब हम क्या कर लेंगे, इतने से लोग क्या कर लेंगे, ये सोचना बिल्कुल गलत है। मिनन्ना से मैया शरीफ, लोगों में से कुछ है। अच्छा, इस लहजे की और आयतें भी है, मेरा ये मजमून नहीं है, मगर आपका जौक मुझे आमादा कर रहा है कि एक मंजर और दिखाऊं। मिनल मोमिनीन रिजाल, और मोमिनीन में से कुछ मर्द हैं। ये कुरान है भाई। मिनल मोमिनीन रिजाल, और मोमिनीन में से कुछ हिम्मत वाले हैं। सदकु मा अहदुल्लाह है, जो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा कर देते हैं। सदकु मा अहदुल्लाह है, जो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा कर देते हैं। कुछ लोगों ने वादा पूरा कर दिया, कुछ लोग वादा पूरा करने के मुंतजर है। वमा बदल तब्दीला, और ये लोग जो वादा कर लेते हैं, अपना अहद मान लेते हैं, तो फिर अहद को तोड़ते नहीं। तो कुछ लोग होते हैं भाई, कुछ ही लोग होते हैं। नजफ आश्रम में 5,000 तालिबे इल्म पढ़ रहे थे, जिनके ऊपर खर्चा 5,000 रुपए, 5,000 पर खर्चा हो रहा था। आयतुल्ला खुई से किसी ने जाके कहा पढ़ने वाले तो 500 हैं, खर्चा 5,000 पर हो रहा है, तो आप सिर्फ उन्हीं को ढूंढ ढूंढ के रख लीजिए जो सिर्फ पढ़ने वाले हैं, बाकी 4,500 बहरहाल तबर्रुकन रह रहे हैं, तो उनको अगर वो जाना चाहें तो उन्होंने फरमाया ये 5,000 की वजह से तो 500 पढ़ रहे हैं। एक माहौल बनता है, एक माहौल बनता है। लिहाजा ये मंतिक बहुत अच्छी नहीं है कि कितने लोग हैं, कितनी तादाद है। मैं तो कहता हूं कि मुसलमानों को हमारा एहसान मंद होना चाहिए। कहते हैं ना कि शिया है कितने, तो मैं उनसे मुखातिब हूं कि हम जितने भी हैं तुम्हारी इज्जत का सबब है। मुझे इससे गरज ही नहीं है हम कितने हैं, इतने इतना जरूर है कि हमारी वजह से तुम्हारी भी इज्जत बची हुई है। अगर ये आजादार ना होना तो सारे मुसलमान यजीदी नजर आए। खाते रहेंगे, मैं तो उन्हें देख देख कर अपनी किबरियाई के ऊपर गुरूर करता रहा। अल्लाह मुतकब्बिर है ही इसलिए कि उसे मोहम्मद अली जैसे सजदा कर। अल्लाह तकब्बुर करता ही इस बुनियाद पर है कि उसके आगे हुसैन झुकता नजर आता, जिनकी वजह से परवरदिगार आलम ने कायनात बनाई। वो अल्लाह से सच्चे हैं, वो अल्लाह से सच्चे हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने कायनात बनाई। लिहाजा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, ये ऐलान परवरदिगार आलम ने कर दिया। और क्या जानता था अल्लाह, जानता ये था कि जिनको मैंने अपना महबूब और अपना माशूक करार दिया है वो मुझसे सच्चे हैं, और वो मुझसे सच्चों में इजाफे का सबब है। लिहाजा मौला अली सो गए नबी के बिस्तर पर। मिसाल दे रहा हूं, हुआ क्या था ये शब हिजरत, मुकदमा मेरा ज्यादा लंबा ना हो जाए। शब हिजरत ये हुआ था कि मौला अली ने अल्लाह से सौदा किया। हाँ, अल्लाह से सौदा किया। और क्या है अली का वजूद के जिसकी जिसका खरीदार अल्लाह है। हर एक से हर चीज खरीदना जायज नहीं है। हाँ, बच्चों से खरीदो फरोख मकरूह है। ये छोटा सा बच्चा बहुत मोहतरम है, बहुत से बड़ों से मोहतरम, ज्यादा मोहतरम है, मगर इस छोटे बच्चे के हाथ में अगर 1,000 रुपए का नोट हो, ये परचून की दुकान पे जाके कहे कि इतनी चीनी दे दो, वो 100 रुपए की चीनी देके 900 रुपए से लौटा दे, और ये 100 रुपए रस्ते में गिरा के 800 रुपए अम्मा को जाके दे, और अम्मा कहे बेटा 100 रुपए की आनी थी, तुम तो 200 की लाए, कि नहीं उन्होंने तो इतने ही दिए थे। और ये अम्मा जब पहुंचे, अब्बा जब पहुंचे दुकान पे कि तुमने हमारे बच्चे से ज्यादा पैसे ले लिए, तो कहेगा नहीं मैंने तो 100 रुपए लिए, क्या नहीं तुमने तो 800 दिए, नहीं मैंने तो 900 दिए हैं, बताइए बात किसकी मानी जाएगी। बच्चे की बात मानी जाएगी, सब कहेंगे बच्चे के पैसे खा दी खा गए। इसलिए इस्लाम ने कहा मकरूह है गैर मुमय्यज़ बच्चे से खरीदो फरोख्त।
गैर ममैज बच्चे से खरीद व फरोख्त इस्लाम ने मकरूह कर दिया। अगर बच्चा दुकान पे नोट लेकर आए, उसे कहा बेटा बड़े को लेकर आओ, ये 100 रुपए का फायदा क्या होना था, 200 रुपए भरने पड़ गए, नुकसान हो गया ना इस बच्चे से खरीद व फरोख्त। ऐसे ही ऐसे खाने के नामी जो सफी हो, जिसकी अकल काम ना कर रही हो। अब ये बच्चा पागल तो नहीं था, मगर बच्चा था। और एक मरतबा ऐसे ही अगर कोई पागल कहे पागल के पैसे खा गए, कितना ही वो कहता रहा भाई मैंने पूरे पैसे दिए थे, सब कहेंगे पागल के पैसे खा गए। इसका मतलब ये हुआ हर एक से खरीद व फरोख जायज नहीं है जी। अच्छा फिर और जरा बड़े और ऊंची मिसालों में आ जाइए। ये जो कारोबार करने वाले बड़े लोग हैं, फला कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना चाहती है, वो कहते हैं इस लेवल की नहीं है जो हम इससे बात करें, इस कंपनी का मयार ही नहीं है कि हम इसके साथ एग्रीमेंट, ये पहले ही 4 मरतबा डिफॉल्ट हो चुका है और जो है अपने मुआहदे तोड़ चुका है और जुर्माने भर चुका है, ये इस काबिल नहीं है कि इसके साथ हमारी कंपनी को मुआहदा करें। तो हरेक से हरेक खरीदारी नहीं करता। ये अली कौन है जिससे अल्लाह खरीद रहा है? अल्लाह हमारे अली से खरीद रहा है, और क्या खरीद रहा है? अली की जान खरीद रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तो खुद हई है, अल्लाह खुद हई है, वो हयात को पसंद करता है, वो फना को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने जो मौला अली से खरीदी है जान, वो अली से खरीद कर अली को ऐसी हयात दे दी कि आज दुनिया में कौन जिंदा है शक होगा, अली जिंदा है अली होगा। अली जैसी हयात किसकी है बताइए? इसलिए कि उसका खरीदार अल्लाह है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद। और जब जद ने मीरास बेच दी हो, मैं लफ्जों को और रोशन करता हूं, जब जद ने माल मिल्कियत जमीन जायदाद बेच दी हो और उसके बदले में मीरास के बदले में उसने अल्लाह की मर्जियां ले ली हो, तब औलाद में जायदाद मुंतकिल नहीं होगी, मर्जियां मुंतकिल। लिहाजा मौला अली ने जब अपना वजूद बेच दिया, तब अली के बच्चों के पास अल्लाह की मर्जी आई। लिहाजा इमाम हसन भी अल्लाह की मर्जियों में हामिल, इमाम हुसैन भी अल्लाह की मर्जियों में हामिल। जो मर्जाते परवरदिगार का मालिक और हामिल हो, फिर उसका जिंदगी का जलवा ही कुछ और हो। 3 साल का सिन है, एक अरबी ने आकर आवाज लगाई, ऐ अब्दुल्लाह के बेटे तुमने ऐलान नबूवत किया है, तुम्हारी नबूवत पे दलील क्या है? सरकार की गोद में 3 साल सिंध के इमाम हसन तशरीफ फरमाए। सलावात। आने वाले ने आवाज लगाकर कहा कि आपकी नबूवत पे दलील क्या है? 3 साल का सिंध इमाम हसन का सरकार की आगोश में बैठे, मेरे मौला नबी ने पेशानी का बोसा दिया, फरमाया यही बच्चा मेरी नबूवत पे दलील है, यही बच्चा मेरी नबूवत पे दलील है। तो कहने लगा आज सभी ये बच्चा, तो जैसे उसने कहा ना ये बच्चा, तो मेरे मौला हसन बोले, फरमाया सल फकीहा वल असबिया, तू एक फकीह से पूछेगा, बच्चे से बात नहीं कर पा। ये कहकर मेरे मौला ने फरमाया सोन अंता जुहूल व इंदी बहरुल इल्म, तू जहादत का मुरक्का है और मेरे पास इल्म का समंदर है। इंदी बहरुल इल्म, मेरे पास कितनी उम्र है? 3 साल की उम्र। कौन? इमाम हसन मुश्तबा। फरमाते मेरे पास इल्म का समंदर है, फरमाते मेरे पास इल्म का समंदर है, अल्लज़ी ला तक्सिमुहु तवाली, जो डोलों से खाली नहीं होगा। डोल डोल, तू समंदरे इल्म हसन से अगर डोल भर भर के सवाल और इल्म लेता रहेगा, तो तेरे डोल निकालना खत्म हो जाएंगे, मगर मेरा इल्म खत्म नहीं होगा। जब इमाम हसन ने, इसी तरह और बहुत सारे आपके इल्म के वाकयात हैं, तो कुछ असहाब ने जब तसलसल के साथ इमाम हसन को देखा कि आपका इल्म इस दर्जे पर है, तो कुछ लोगों ने सवाल किया, या रसूलल्लाह एक सलवात पढ़े तो मैं असली इबारत सुना। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह,
आपका फर्जंद, आपका सिद्दीक अकबर, आपका बड़ा बेटा, उसका इल्म किसी के इल्म के साथ मुकायसा नहीं हो सकता। ये इल्म उसको कैसे अता हुआ, ये इल्म उसे कैसे मिला? तो मेरे मौला नबी ने फरमाया, इन्नल हसना लैसा हालहु का हाल गैरे, मेरे हसन को दूसरों के साथ मुकायसा नहीं करो, मेरे हसन का मुकायसा किसी और के साथ नहीं होगा। इसके बाद आपने जो जुमला फरमाया, फरमाया इन्नहु फी तिल्कल हाल, ये जो मेरा बेटा हसन है ना, मेरा बेटा हसन इस हालत में, जिस हालत में है, किस हालत में है मेरा बेटा, जिस हालत में है, युतादेहु लोहल महफूज, ये चक चाहता है लोहे महफूज पढ़ लेना। थक गया मेरी बात जी जी, ये तो हदीस में एक इबारत में ली कि युतादेहु लोहल महफूज, हसन मुज्तबा लोहे महफूज का मुतादा जब चाहता है कर लेता है। लेकिन मैंने एक और इबारत भी पढ़ी है, और इबारत यह है, इन्नल हसना युतालिहु लोहल महफूज, ये तो अभी सुनाई मैंने, मैंने जो एक और इबारत पढ़ी है, इन्नल हसना युलाहिज़ु लोहल महफूज, मेरा बेटा हसन लोहे महफूज का मुलाहिजा करता है। थोड़ा सा दिक्कत बढ़ाए तो मैं भी अपने बयान को, मुतालिया और है मुलाहिजा और है, मुतालिया और है मुलाहिजा और है, मुतालिया जो है वो है। अच्छा मैं मिसाल देता हूं, शायर अहले बैत जनाब साजिद ज़हनी साहब तशरीफ फरमाए, मसलन मैंने कुछ अपने अशार का मजमूआ मुरतब करके साजिद भाई को भेजा, शायद साजिद भाई इसका जरा मुतालिया कीजिएगा, इसमें पैगाम कुछ और है, यानी मैं अपने आप को कुछ समझता हूँ, मैं अपने आप को कुछ समझता हूँ, अपने शायरी को कुछ समझता हूँ, अपने शेर कहने को मैं मोतबर जानता हूँ, अपने आप को शायर मानता हूँ। मैंने कहा मुतालिया कीजिएगा, इसमें मेरा हाथ गलबा रखता है, मेरी बात ऊंची है, मेरी बात ऊपर है। एक मरतबा मैं कहता हूँ कि साजिद साहब ये अपने अशार का मजमू भेज रहा हूँ, इसको जरा मुलाहिजा कीजिएगा, इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब यह है कि अगर किसी मिसरे में कोई झोल हो तो आप वो मिसरा ठीक भी कर सकते हैं, मुलाहिजा और है मुतालिया और है। मैं कहता हूँ दोनों हदीसें मान लीजिए कि सरकार ने फरमाया मेरा हसन लोहे महफूज का मुतालिया करता है, ये भी ठीक है, और मेरा हसन लोहे महफूज का मुलाहिजा करता है, ये भी ठीक है, इस दूसरी बात को ठीक कैसे करेंगे? पहली वाली बात तो लोहे महफूज के साथ जुड़ती नजर आ रही है, समझ में आ रही है, दूसरी बात को कैसे समझेंगे? दूसरी बात कैसे समझेंगे, मेरा हसन जब लोहे महफूज को देखता है ना तो तकदीरों की इस्लाह कर देता है। सलावत पढ़े मोहम्मद, भाई किसी की उम्र 70 साल की थी, इमाम ने देखकर कहा हमने 10 साल बढ़ा दी, किसी के रिस्क में ये तंगी थी, इमाम ने देखकर कहा हमने इसको वसी कर दिया। ये बात इमाम हसन मुस्तफा की हो रही है, अल्लाह की नहीं हो रही। याद है अल्लाह का मकाम यह है कि जिसके आगे हसन झुक जाए उसे अल्लाह कहा जाए। सलवात पढ़ने मोहम्मद को आने जी, ये बात सामने अगर ऐसे हो तो पढ़ने में और मजा आता है। अल्लाह हमारे बेहतरीन सामईन को अपने हिफ्ज अमान में रखे, सेहत और सलामती अता फरमाए। अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं है कि जाफरी साहब अकेले ही ऐसे सामने हैं, अभी तो मैं वो अभी मैं चीज बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ इस मिजाज को। ये बलन तक सलवात नहीं थी भाई, मेरे मौला गुजर रहे हैं एक रस्ते से, अपना सफर आगे बढ़ा रहे हैं कि अचानक मेरे मौला ने अपने खादिमीन को आवाज दी कि सवारियां रोको, मुझे यहाँ तयाम करना है।
हजरत एक दरख्त के नीचे हजरत के लिए गिलिम बिछाई गई, हजरत का मसनद बिछाई गई, हजरत वहां तशरीफ फरमाए कि अचानक हजरत की निगाह गई कि एक हबशी गुलाम है जो हल चला रहा है, पसीनों पसीने हो चुका है। ऐसे मेहनती लोगों से इमाम आइम्मा अहले बैत प्यार करते हैं कि एक मर्तबा हजरत अपने उस दौरानिए को गुजार रहे हैं कि देखा कि उसने अपनी मेहनत को, अपनी मशक्कत को मुकम्मल किया, उस वक्त का काम पूरा किया और करीब में ही जो इमाम के कयाम की जगह से कुछ करीब में दरख्त था उसके नीचे आके बैठा और अपने सामान में से एक रुमाल निकाला जो बंधा हुआ था, उसमें रोटियां बंधी हुई थी। उसने गिरह खोलकर उसको खाना शुरू किया। अभी वो उसने पहला लुकमा लिया था कि कुत्ता दौड़ता हुआ आया और अपने दोनों जानों टेक कर उसके करीब आके बैठ गया। तो हजरत ने देखा कि ये एक लुकमा खुद खाता है और एक लुकमा उसे डालता है। इसने अपने हिस्से की रोटी में से एक एक लुकमा खुद खाकर एक एक लुकमा उसे देना शुरू किया। जब इसने इस तरह से खाना मुकम्मल कर लिया तो हजरत अपनी जगह से खड़े हो गए। देखिए जो बड़े दिल के लोग होते हैं, जो सही लोग होते हैं, फिर उन्हें इमाम के पास नहीं जाना होता, इमाम चल के उनके पास। क्या हसीन वाक्य है। इमाम चल के उसके करीब गए, हजरत ने फरमाया कि तू अपनी रोटी में से एक लुकमा इस कुत्ते को देता रहा तो आखिर तूने ऐसा क्यों किया। कहने लगा, ए मुसाफिर, मुझे हया आ रही थी कि मैं एक भूखे को भूखा देखूं और खुद खाना खा लूं। तो हजरत ने फरमाया, बेसाख्ता मेरे मौला हसन ने फरमाया, हजरत ने फरमाया, ये मिजाज सरदारों का मिजाज। इमाम हसन ने एक फैसला कर दिया है, जो दूसरों को अपना माल खिलाए वो सरदार है, जो दूसरों का माल खा जाए वो सरदार है। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाला के बाद। हमारे यहाँ के सरदार तो दूसरे का माल खा जाते हैं, हमारे यहाँ के सरदार तो दूसरे का माल खा जाते हैं। आइम्मा की जबान में सरदार वो है जो अपना माल दूसरों को खिला दे। हजरत ने फरमाया, ये मिजाज सरदारों का मिजाज है। तू एक हबशी गुलाम नहीं, तू सरदार है। कहा, मैं आपको जानता नहीं, मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं गुलाम हूं। हजरत ने फरमाया, मैंने कह दिया तू सरदार है तो सरदार है। फरमाया, तेरा मालिक कौन है। अल्लाहु अकबर। फरमाया, तेरा मालिक कौन है। कब वो सामने जो घर नजर आ रहा है मेरे मालिक का है। हजरत ने अपने साहबा को, अपने असहाब से फरमाया, जाके इसके मालिक से कहो कि कोई मुसाफिर है जो तुमसे मिलना चाहता है। उसे इतला हुई, वो आ गया हजरत के करीब। हजरत ने फरमाया, ये तुम्हारा गुलाम है। कहने लगा, ये मेरा गुलाम है। हजरत ने फरमाया, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। कहा, ये बहुत मेहनती है। हजरत ने फरमाया, जो रकम कहेगा मैं दूंगा। उसने मुरव्वजा राइज रकम से ज्यादा रकम बताई। हजरत ने फौरन वो रकम अदा की। फिर वो जाने लगा तो हजरत ने फरमाया, कहाँ जा रहे हो, बताओ ये जमीन की कितनी कीमत है। उसने कहा, मैं नहीं बेचना चाहता। हजरत ने फरमाया, जितनी रकम कहोगे दूंगा। उसने चार बराबर रकम उसकी बोली। हजरत ने फरमाया, रकम अदा करो। हजरत ने उस जमीन की चार बराबर रकम अदा की और जब हिबाला लिखवा लिया, रकम दे दी और तहरीर लिखवा ली तो हजरत ने वो तहरीर उस हबशी गुलाम को देकर कहा, तू सरदार। सलवात पढ़ने मोहम्मद वहां। नारे की ट्रेनिंग करवाइए इनकी। माशाल्लाह, मैंने अभी इनसे कहा है कि इनके नारे की ट्रेनिंग करवाई जाए। मैं नारा तो मौला का जिक्र है, मैं कैसे रोक सकता हूँ, टोक सकता हूँ, मगर नारा फिर नारे मजलिस की मुनासिबत से रहे ऐसे। नारी, 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 नारी,
जरा ऐसे ही जोर लगा के लगाओ, नहीं ये लगाए, चले आप भी लगा लो, ऐसे ही जोर लगा के लगाओ, नहीं नहीं भाई जोर लगा के लगाओ, हाँ जोर से, ऐसे लगाते हो तो सुला देते हो, सलवार पड़े तो मोहम्मद कौन बना सलवार नबी रहा, अब वो हमारे साथ वो अली रजा राजा होता ना खैरपुर वाला, तो कहता मौलाना ने कितने काम करने हैं, नारा भी सिखाना है, कि नारे कैसे लगाए जाते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं बहुत अरसे से सोच रहा था ये बात, अब मैंने कहा भूल जाता हूँ मेंबर से उतर के, तो अब मेंबर से ही बोल दूंगा, अच्छा तो ये बहुत अरसे से सोचा मत, मैंने कहा इनको नारा जरा, नारा नारा होता है, नारा तो मैदानों का होता है, ऐसे आप कहीं और आ गए, ये मेरे मौला ने हक के गुलाम को सरदार बना, यानी मैं जो लाइन बच्चों जवानों को कहूं खबरदार, सखावत का ताल्लुक पैसे से नहीं है, वाला ना मेरे पास पैसा होगा तो दूंगा ना, ये कहां से ले आए जुमला, सखावत का ताल्लुक पैसे से नहीं है, तुम्हारे तुम्हारे देने का जज्बा होगा, पैसा होगा तो दोगे, देने वाले होगे तो पैसा होगा, देने का जज्बा बनाओ, और देना भी जरूरी नहीं है कि किसी अपने को जानने वाले को दो, हम उस करीब इमाम के दरवाजे पर बैठे हैं जो जानवरों को खिलाने वालों को सरदार बना, वो इंसानों को खिलाने वालों का मकाम इनके नजदीक क्या होगा, जैसे ही चार मेहमान आते देखे दिल डूबना शुरू हो गया, अरे भाई क्या हो गया, कहां से खिलाएंगे इतने सारे लोग आ गए, तुम्हें कौन खिला रहा है, जो तुम्हें खिला रहा है उसी ने मेहमान भेजा है, अजीजा ने गिरामी, मैंने मैंने वो मकाला भी लिखा है और 10,000 दफा कह चुका हूं, 10,000 तो नहीं 10,000 दफा कह चुका हूं कि मुझे सिंधी कौम से कुछ ज्यादा प्यार, उसकी वजह यह है कि इनके अंदर कुछ ऐसी खूबियां हैं जो और कौमों में नहीं है, और कौमों में और खूबियां हैं, मगर इनमें जो खूबियां हैं वो और कौमों में नहीं है, उन खूबियों में एक खूबी सखावत है, हाँ लस्सी और सूखी रोटी रख देगा मगर ये नहीं बोलेगा कि कहां से खिलाऊं, अल्लाह अल्लाह खूबियों में इजाफा फरमाए, सलवार पढ़े मोहम्मद वाले, जी जी 18 खूबियां हैं जो मैंने आप भी जोड़ी है, यानी कोई अपनी जोड़ी है, 2-4 खामियां हैं जो अकेले में बताऊंगा, ज्यादातर खूबियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें एक खूबी सखावत है, दरवाजे पर कोई आ जाए बात ही खत्म हो जाती है, दुश्मनियां ही खत्म हो जाती है, ये हमारे घर चल कर आ गया है, इससे ज्यादा तो कोई बात ही नहीं होनी ना, ये पसंद है अहले बैत, ये सिफत अहले बैत की सिफतों में से, ये अहले बैत के चाहने वालों में ऐसे ही होना चाहिए, इमाम हसन यानी हिल, इमाम हसन यानी सखावत, खास तौर पर मैं आप जवानों और बच्चों से कहूंगा, बुजुर्गों ने जो करना था कर दिया, बहुत अच्छा किया है बुजुर्गों ने, बहुत बहुत अच्छा वक्त गुजारा है बड़ों ने, आप जवानों से मैं अर्ज कर रहा हूं जो मजलिस में अक्सरियत में है, वो ये अर्ज कर रहा हूं आपसे कि हसन मौला की सीरत पे अमल का एक उन्वान, इमाम हसन की सीरत का एक उन्वान वो ये कि अपने मुखालिफों को माफ करने का जज्बा बढ़ाओ, और अगर मुखालिफ अपना ही हो तो
फिर तो ये बहुत लाजिम अमल है। चचा का बेटा, मामू का बेटा, स्कूल में साथ पढ़ने वाला, चार साल तक नौकरी साथ करने वाला, उससे हमारी लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, उसने भी दिल में बुराई बिठाई हुई है, मैंने भी दिल में बुराई बिठाई है, वो आ रहा होता है रास्ता बदल देता हूँ, वो सलाम करता है जवाब नहीं देता, ये इमाम हसन के चाहने वालों की निशानी नहीं है। मैं अपनों की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात आज शाम शुरू में कर चुका हूँ, ये वाकया कि हजरत मदीने में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आपके चाहने वालों का हल्फा आपके साथ चल रहा है। तो एक शाम का मुसाफिर है जिसके दिमाग में पहले ही अहले बैत की नफरत डाली गई है, वो मदीने में दाखिल होता है, किसी से पूछता है ये कौन है जिनका इतना एहतराम है, उसने कहा ये जिसे पूछा था उसने कहा ये हसन मुश्तबा है। तो वहीं दूर से इमाम को एक नामुनासिब जुमला उसने कहा, सबको शत्म वाला के लिए उसने कहा है, ना सजा ना मुनासिब जुमला, फोहश हजरत को देना शुरू की। जैसे ही उसने बेअदबी शुरू की, चाहने वालों को गुस्सा होने लगा, बढ़ने लगा, हजरत ने फरमाया खामोश, कोई कुछ ना बोले, इसे बोलने दो। हजरत जा किसी और तरफ रहे थे, उसकी तरफ रुख किया, करीब होने लगे, जैसे जैसे हजरत करीब होने लगे उसकी बदतमीजी बढ़ने लगी, बिल्कुल करीब जाके खड़े हो गए, वो बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, बोल बोल के थक गया। जब खामोश हो गया तो हजरत ने फरमाया ये जो कुछ तू कह रहा था अगर ये सच कह रहा है तो अल्लाह हमें माफ करे, और अगर गलत कह रहा था तो मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह तुझे माफ करे। हजरत ने फरमाया तू मदीने का रहने वाला नहीं है, तू कहीं और का मुसाफिर है। हजरत जानते थे कौन, तू यहाँ का रहने वाला नहीं है, मुसाफिर है, चल हमारे साथ खाना खा ले, कुछ देर आराम कर ले, तुझे आगे कहीं जाना है तो हमसे सवारी ले ले, और जब तू जाने लगेगा तब मैं सोचने को तुझसे पूछूंगा कि तू क्या कह रहा था। पैरों में गिर गया, इतना ऊंचा अखलाक, यहाँ तो एक जुमला कहने पर मेरी गर्दन उड़ा दी जाती, मैंने सब कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया, मगर आपके तो आपको तो कुछ इसका असर ही नहीं हुआ, इतना ऊंचा अखलाक। इमाम हसन के लिए है कि लौ कान अल हिल्म शख्सा, अगर हिल्म बुर्दबारी सब्र बर्दाश्त शख्सियत बनाकर भेजी जाए, लकान अल हसन, तो वो इमाम हसन हो गए। हिल्म और बुर्दबारी को अगर शख्सियत बना दिया जाए तो वो शख्सियत इमाम हसन की हो। इस दर्जे का कमाल तहम्मुल, कितना गहरा वजूद है इस इमाम हुमाम का, कि जिनकी शहादत ही मजलिस में और आप बैठे हैं, ये सालाना मजलिस है, अभी कुछ देर के बाद आप एक ताबूत की ज्यारत करेंगे, याद रहे जहर दे के मारा है, सुन्नी शिया ने लिखा है, मेरे मौला को तीन मरतबा जहर दिया गया, दो मरतबा जब अल्लाह ने नहीं चाहा, इमाम ने नहीं चाहा, तो जहर ने असर नहीं किया, लेकिन जब अल्लाह ने और अल्लाह की मशीयत के मुताबिक इमाम ने चाहा तो जहर का असर हो गया, मगर आपकी दफा जो जहर था ना वो अगर समंदर में डाला तो इस जहर का मार और काट इतनी थी कि समंदर की मखलूकात मर जाती। जब इमाम हसन को जहर दिया गया ना तो उस वक्त इमाम रोजे से थे, इफ्तार में जहर दिया है, इमाम को इफ्तार जहर से करवाया है। जब इमाम ने वो शरबत का एक घूंट लिया तो कासा वापस रखते हुए फरमाया तेरी मुराद इसे पूरी कर दे, अल्लाह आपको किसी पर बना दुआ है सुबह जब मेरे बैठे बनों के दुआ है बाद में अल्लाह तारो क्या हुआ है इस घराने के साथ, कैसे बयान हो सलाम हो पंजतन के उन पांच जमातों पर,
जब वो उठाने वाला कोई नहीं था। नबी के जनाजे में 11 लोग हैं। मैं कहता हूँ इस पे ही घंटों हो जाए तो कम है कि सरकार को जहां का जनाजा है और उठाने वाला कोई नहीं है। जब मौला अली ने उस कफन दे के जनाजे को खबर के हवाले कर दिया तो फिर कुछ लोगों ने आके कहा कि तुमने हमारा इंतजार नहीं किया। तो मौला ने फरमाया मैं अहले बैत हूँ, अहले बैत पर जिम्मेदारी होती है कि वो उस कफन का इंतजाम करें, वो तदफीन का इंतजाम करें। मैं तुम्हारा मोहताज नहीं था। बहुत नाराजगी रही, कई दिन तक नाराजगी रही। इस घर में दूसरा जनाजा जनाब ज़ैनब 75 या 95 दिन बाद नबी की रहमत के सरकार जहां की रहमत के 75 या 95 दिन के बाद जनाब ज़ैनब का जनाजा, उस जनाजे में 6 लोग थे। सैयदतुल निसाए आलमीन बीबी के जनाजे में सिर्फ 6 लोग थे। रात की तारीख की मैं जनाजा उठाया और मौला ने 40 जगह खबरें बनाई ताकि पता ही न चले कि कौन सी खबर सच्ची खबर है, हकीकी खबर है। खबर को छुपाया मौला ने। ये है जनाबे ज़हरा के जनाजे का हाल। पंजतन का दूसरा जनाजा, इस घर में तीसरा जनाजा हुआ मौला ने का जनाजा। अहले सुन्नत के मुताबिक 2 लोगों ने जनाजा उठाया। आगे से जनाजा खुद उठ रहा था, पीछे से हसनैन उठ रहा था। जब ये रिवायत सुनाई जाती है ना तो उस सुनाने वाले से फौरन पलट के पूछो कि मौलाए कायनात के जनाजे में लोग क्यों नहीं थे। क्या मौलाए कायनात नहीं चाहते थे कोई जनाजे में शरीक हो? तो क्यों नहीं चाहते थे? मौलाए कायनात और उनके बच्चे को कहते हैं कि जनाजे में लोगों को बुलाओ, ऐलान करो, ज्यादा से ज्यादा लोग जनाजे में आए, मोमिनीन का इंतजार करो। मगर ये कौन सा जनाजा, ये कौन सी मजलूमियत, कैसी मजलूमियत है कि खुद अली कह रहे हैं कि मेरे जनाजे में कोई ना आए? कोई कोई वजह तो होगी ना, सवालिया निशान तो है ना। इमाम मौला अली के जनाजे में 2 लोग हैं, हसनैन जनाजा उठा रहे हैं। उम्मत को फिर एतराज हुआ कि अहले बैत ने हमें अपने घर के जनाजे में नहीं बुलाया। पहला जनाजा था इमाम हसन का, बार बार कह रहे थे ना, बार बार कह रहे थे ना हमें जनाजे में नहीं बुलाते। पहला जनाजा था इमाम हसन का जो उम्मत के कांधों पे दिया गया। उम्मत ने इतने तीर मारे कि जनाजा वापस घर में लाया गया। अजरों का बदल था। दुनिया का कोई जनाजा बरामद होने के बाद वापस घर में नहीं आता। जब घर से चला जाता है तो कब्रिस्तान चला जाता है। ये इमाम हसन का जनाजा गया है फिर वापस आया है। मंजर बड़ा अजीब है। मौला अब्बास से तलवार खींची तो हजरत हुसैन मौला की आवाज आई, अब्बास ये मदीना है करबला। उस वक्त में हजरत अब्बास को तलवार चलाने की इजाजत न हुई। घर में जब जनाजा लेकर आए ना भाई, सारे भाई जनाजा लेकर आए तो जनाब ज़ैनब ने पहला सवाल ये किया, मेरे भाई को किसने मारा? बराबर की बहनों ने जनाजे से तीर भी काटे। उस वक्त में जनाब ज़ैनब ने देखा कि हजरत अब्बास दीवार से सर लगा के रो रहे हैं। तो जनाब ज़ैनब ने आवाज देकर कहा, भाई हुसैन अब्बास को संभालो, कहीं अब्बास का जिगर फट ना जाए। अल्लाहु अकबर। ये चौथा जनाजा था पंजतन का जिसका ये हाल हुआ। पांचवें जनाजे का हाल बता दूं, इतने घोड़े दौड़ाए इमाम हुसैन के बदन पे, इतने घोड़े दौड़ाए कि ज़ैनब पहचान नहीं पाई है मेरे भाई का लाशा। जब आई है ना अपने भाई के लाशे पर तो बस एक ही जुमला कहा, आंता दिलता है ना, क्या तुम ही ज़ैनब के भाई हुसैन? मातम हुसैन या हुसैन।